हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो यह हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनएक्स ग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर और उसके इंटरफेस के बारे में, राइट। तो यह हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा और इसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तो एनएक्स ग्राफिक्स के बारे में, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसके कंटेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं, राइट। फर्स्ट जो है वो है वाई एनएक्स कैड सॉफ्टवेयर, राइट। एनएक्स कैड सॉफ्टवेयर ही क्यों? देखो भाई, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसको चलाना आसान है, राइट। और इसकी कमांड्स वगैरह जो रहती हैं आप एक मॉड्यूल में या फिर अदर मॉड्यूल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से क्रिएट होगी, राइट। सेकेंड जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कैड सॉफ्टवेयर। अगर आप एनएक्स ग्राफिक्स के अलावा भी अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हो तो कैड सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वो देखने वाले ओवरव्यू ऑफ एनएक्स ग्राफिक्स, भाई एनएक्स ग्राफिक्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं कि भाई उसका इंटरफेस कैसा है, उसकी कमांड किस तरह से काम करती है या फिर क्या क्या चीज़ें, राइट। उसके बाद है इंडस्ट्री नीड सॉफ्टवेयर स्किल। अगर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर आप कोई या आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री कंप्लीट करी है, तो भाई अगर आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल है तो आपकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो सॉफ्टवेयर स्किल होना जरूरी है ताकि आप फर्दर कुछ कोर्सेस वगैरह कर सको या फिर आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री में काम कर सको, राइट। उसके बाद एक की फीचर ऑफ एनएक्स ग्राफिक्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एनएक्स ग्राफिक्स के क्या की फीचर्स हैं जो कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, Why NX CAD software और its importance? भाई अगर NX ग्राफिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं और इसके importance क्या है? सब देखो, सबसे पहला जो point है वो है easy to learn। ये software है ना, सीखने में बहुत आसान है और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका industry में use करते हैं ना तो कोई भी चीज़ आसान हो जाती है, right? उसके बाद है most of the industry use NX CAD software। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री होती है ना वो एनएक्स ग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, राइट। वो इसलिए क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत इजी है या फिर इसको चलाना बहुत आसान है और कोई भी इंजीनियर को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन भाई उसके लिए भी लर्निंग करनी पड़ती, सीखना पड़ता है, राइट। इट्स अ PLM सॉफ्टवेयर, भाई ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत से जहाँ से कोई प्रोडक्ट बनता है या फिर उसको हम लोग कैड डिज़ाइन करते हैं और अगर मान के चलो वो ख़त्म हो चुका है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग, उसकी टूलिंग, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस सॉफ्टवेयर, राइट। उसके इसी एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग कर सकते हैं, राइट। बेसिकली एनएक्स ग्राफिक्स कैड, कैम और सीएई को एक सिंगल सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट करके रखता है। वो कैसे? कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और सीएई मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। बेसिकली क्या होता है कि भाई हम लोग उसका मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग जी कोड और एम कोड से प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, राइट। सीआई मतलब उसका एनालिसिस करके देख सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स एनालिसिस करके देख सकते हैं, फ्लो एनालिसिस करके देख सकते हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड एनालिसिस है वो करके देख सकते हैं इन सेम सॉफ्टवेयर, राइट। फॉर लर्निंग फर्दर डिजाइन स्टडी इट्स नीडेड, अगर कोई आगे अगर हमको कोई कोर्स करना है या फिर आप बोल सकते हो कोई ऐसी चीजें करना है जिसको आपको डिजाइन करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी ही, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोल्ड है, राइट, प्रेस टूल है, ठीक है, जिग एंड फिक्चर है, तो इसको डिजाइन करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई कैड इंजीनियर आप बन जाओगे, कैड डिजाइनर आप बन जाओगे, एक डिजाइन इंजीनियर आप बन जाओगे तो आराम से कंप्यूटर पर बैठ के कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए आप अपने डिजाइन को कर सकते हो, बट उसके लिए एनएक्स कैड सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं तो इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। ये जो आपको एक फोटो दिख रहा है ना, ये है एनएक्स ग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर का एक फोटो इंटरफेस दिख रहा है। इसके अंदर मैंने एक टूल लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि भैया इस तरह से भी डिजाइन हो सकता है, राइट। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है कि भाई होम है, सरफेस है, एनालिसिस है, असेंबली है, एवरीथिंग, राइट। तो भाई हम लोग इस सीरीज में क्या कवर करने वाले हैं वो चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट। चलो देखते हैं, स्केचिंग। कभी भी किसी भी 3D मॉडल को बनाने से पहले आपको उसकी 2D स्केचिंग बनाना पड़ती है, उस 2D स्केच को ही आप 3D में कन्वर्ट करोगे, राइट। उसके बाद है मॉडलिंग, भाई मॉडलिंग आपको करना पड़ेगी। आप कुछ ऐसे टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इजी मॉडलिंग कर सकते हो या फिर आप उसको 3D मॉडल बना सकते हो। एडवांस मॉडलिंग में हम लोग उस मॉडल को एक और एडवांस तरीके से मॉडल कर सकते हैं या फिर उसकी जो ज्योमेट्री है वो और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है 3D कर्व। 3D कर्व बेसिकली 3 डायमेंशन में काम करता है।
अभी जैसे स्केचिंग में मैंने बताया था कि भाई 2D स्केच क्रिएट करेंगे भाई, तो 3D कर्व को हम लोग 3 डायमेंशन में इस्तेमाल करेंगे, राइट। सरफेसिंग, 3D कर्व के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कर्व के ऊपर सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं, और सरफेस को क्रिएट करके एक फिनिश और एक स्मूथ सरफेस क्रिएट कर देंगे जिससे मॉडल हमारा बहुत स्मूथ बनेगा, राइट। सिंक्रोनस मॉडलिंग, अगर मान के चलो किसी मॉडल की अगर हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, या फिर उसको किस तरह से बनाया गया हमको नहीं पता, अगर उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना है तो सिंक्रोनस मॉडलिंग का इस्तेमाल करके हम उसमें कर सकते हैं। शीट मेटल, शीट मेटल मतलब शीट MS या फिर माइल्ड स्टील की जो शीट होती है उसके ऊपर हम लोग किस तरह से कोई टूलिंग का इस्तेमाल करके उसको बैंड करेंगे, फॉर्म करेंगे, ये चीजें करेंगे, इसके लिए टूल डिजाइन वगैरह सीखते हैं, तो उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, तो शीट मेटल के मॉडल क्रिएट करेंगे, राइट। असेंबली, अगर सिंगल सिंगल मॉडल अगर आपके पास अवेलेबल है तो भाई उसको असेंबल करके एक मशीन बनाना पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए बैटरी बनाते हो तो बैटरी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट, तो उसकी असेंबली करना पड़ेगी, तो वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। एंड द ड्राफ्टिंग, भाई किसी भी तरह की मॉडल हो, असेंबली हो या टूलिंग हो, या भाई किसी भी तरह की प्लेट को भी अगर आपने डिजाइन किया है तो भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसकी ड्राफ्टिंग को हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो चलिए इसके सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को एक बार हम लोग पहले समझते हैं, राइट। तो चलिए एनएक्स यूनिग्राफिक्स के इंटरफेस को समझते हैं। तो यहां पर आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की तरह यहां पर दिख रहा है न्यू, ओपन, ओपन रेसेंट पार्ट्स, ठीक है, तो ये सभी कॉमन टूल्स हैं, राइट। यहां पर आपको कुछ एक नाम की चीज देखेगी जो है टाइमलाइन, ठीक है। तो टाइमलाइन के अंदर अगर आपने कोई भी पहले कोई चीज बनाई है, फॉर एग्जांपल पास्ट वीक बनाया है, 3 वीक अगो बनाया है, ओल्डर एंटिटीज कोई अगर आपने बनाई है, राइट, तो यहाँ पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। कभी कभी हम लोग सेव करते हैं और भूल जाते हैं कि भाई कहाँ पर हम लोगों ने उस चीज को रखा है, तो यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो चीजें खुल जाएंगी, ठीक है। जब आप किसी भी पार्ट को क्रिएट करते हो या फिर दूसरी फाइल आप खोलते हो तो विंडो के अंदर जाके आपको वो चीजें मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको फाइल जनरेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन एक के बाद एक आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इंटरफेस। यहाँ पर एक आपको पोर्शन दिख रहा है जिस द कमांड फाइंडर, कमांड फाइंडर के अंदर जाके किसी भी कमांड को अगर आप सर्च करते हो तो वो आपको सामने आ जाएगी, लेकिन उसके पहले हमको खोलना पड़ेगा इसको, राइट। तो फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके हम लोग न्यू पे ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक ऑप्शन आता है जो आएगा न्यू का, ठीक है। न्यू के अंदर आपको दिखेगा मॉडल, ड्राइंग, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, ठीक है, सभी चीजें नजर आएंगी भाई, ठीक है। अगर आप मॉडल में भी देखोगे तो मॉडल के अंदर आने वाला है असेंबली, शेप स्टूडियो, शीट मेटल, राउटिंग, तो ये सभी चीजें आने वाली। तो हम लोग भाई सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट। तो मॉडल क्रिएट करते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट इसका जो फाइल रहेगा सेव रहेगा वो रहेगा सी में, राइट। इसको मैंने ओके कर दिया तो हमारे पास ये इसका एक जो शुरुआत का इंटरफेस रहेगा वो हमारे सामने खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसके अंदर देखिए जरा, यहाँ पर है पार्ट नेविगेटर, राइट, यहाँ पर हमारी जो मॉडलिंग की कमांड्स हैं वो आपको नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे ना तो देखो सर्फेसिंग, एनालिसिस, असेंबली, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें रहेंगी, राइट। तो होम के अंदर सबसे फर्स्ट जो चीज़ होती है वो है स्केचिंग। जो भी आप कमांड का इस्तेमाल करोगे वो आपकी कमांड पार्ट नेविगेटर के अंदर मॉडल हिस्ट्री के अंदर आपकी आती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने स्केच किया, ठीक है, तो स्केच करने के बाद अगर आप स्केच को साइड में करोगे, ड्रैग करोगे, तो यहाँ को आप यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल डेटम प्लेन का एक फर्स्ट कमांड बन चुका है, राइट, तो इसको ओके कर दोगे तो आपका डेटम प्लेन पे एक स्केच के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्केचिंग कमांड देखने वाले हैं, फिर उसके बाद स्केचिंग कंप्लीट होगी, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसको फिर हम लोग करेंगे फिनिश, राइट। फिनिश करने के बाद फिर हम लोग 3D कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर इसको राइट क्लिक करके आप यहां पर डिलीट भी कर सकते हो, राइट। उसी तरह से यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगी, टाइमलाइन मिल जाएगी, यहां पर आपको असेंबली नेविगेटर मिल जाएगा, अगर असेंबली फाइल में अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो, राइट। तो दिस इज द सिंपल इंटरफेस फॉर द NX यूनिग्राफिक्स CAD सॉफ्टवेयर। तो यहां पर आपको ऐसी सब चीजें नजर आएंगी। अगर कोई कमांड नहीं मिलती है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई कमांड ढूंढते हो, राइट, मैंने बोला कि यहां पर मैं कमांड ढूंढता हूं एक्सट्रूड, ठीक है, तो मैंने जस्ट EX डाला, ठीक है, देखते हैं EX से यहां पर क्या सर्च होता है भाई, तो मैंने डाल के मैंने इंटर कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगी कि भाई एक्सट्रूड कमांड यहाँ पर ये आ गई है। देखो एक्सट्रूड कमांड कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका यूजर इंटरफेस या फिर आप इंटरफेस इसका यूजर फ्रेंडली है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप इस आपके लिए चलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। तो दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सीखते रहिए। अगर आपको मजा आया अगर वीडियो देखने में तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लाइक कर सकते हैं।
ओके थैंक यू.